बात करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ जवानों के बस पर हुए आतंकी हमले और बढ़ते घुसपैठ ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से दो दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह सुरक्षा की समीक्षा और अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लेंगे। दो दिन के इस दौरे के दौरान गृह मंत्री राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और इस बैठक में पुलिस और सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये सभी अधिकारी राजनाथ सिंह को आतंकियों से निपटने और घुसपैठ रोकने की रणनीति की जानकारी देंगे। और इसी खबर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता जम्मू से राजू केरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, उस हमले को देखते हुए राजनाथ सिंह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है उसको देखते हुए? जी, गृहमंत्री का यह दौरा जो है अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि गृहमंत्री के दौरे से ठीक दो दिन पहले जो है एक हाई लेवल सिक्योरिटी टीम जो है यहाँ पे आके दौरा कर गई थी और उसने जो है यहाँ पे पामपुर हमले के बाद जो हालात बने थे और किस तरीके की रणनीति बनानी है और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस करने के बाद उन्होंने गृहमंत्री को पूरी जो है जानकारी दी थी, जिसको देखते हुए आज चूंकि यात्रा शुरू हो गई है और आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ है और गृहमंत्री जो है आज जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, तो ये अपने आप में सारी चीजें जुड़ती हुई जो है नजर आ रही है कि जाहिर है गृहमंत्री का जो दौरा है उसमें जो है जो सेना की हाई अथॉरिटीज हैं उसके साथ चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, ये सभी के साथ जो है जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर जो है चर्चा होगी और आतंकवादी गतिविधियां जो बड़ी हैं और चूंकि जो इनपुट्स मिल रहे हैं जो खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा जो है इस बार आतंकियों के निशाने पे है, टारगेट पे है, तो किस तरीके से उसको इंसिडेंट फ्री बनाया जाए, तो ये सारी चीजें जो है उसमें डिस्कस की जाएगी। जो अधिकारियों ने जो पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई किए हैं उनसे गृहमंत्री को बताया, उनको अवगत कराया जाएगा कि ये पॉइंट है जो हाईवे के ऊपर बल्लर रिवर है यहाँ पे अटैक हो सकते हैं, उन जगहों पे जो है सिक्योरिटी को प्लग किया जाएगा और री जो डिप्लॉयमेंट की गई है उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, ये सारी चीजें जो है इन मीटिंगों में जो है मीटिंगों का लंबा दौर होगा उसमें ये सारी डिस्कस करी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू इस जानकारी के लिए।